दोस्तों, मैकमोहन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने शोले फिल्म में सांभा का किरदार निभाकर हर किसी का दिल जीत लिया था। आज भी दर्शक इनको इसी किरदार के जरिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शोले फिल्म में सांभा का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस सुपरहिट अभिनेता मैकमोहन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैकमोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत के कराची में हुआ था। मैक के पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी में कर्नल हुआ करते थे। इसके अलावा इनके पिता जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन के मामा भी थे। साल 1940 में मैक के पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया और मैकमोहन की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में पूरी हुई। पढ़ाई के दौरान इनकी दोस्ती जाने माने एक्टर सुनील दत्त से हो गई, जिसकी वजह से इनकी रुचि एक्टिंग में बढ़ने लगी और इसी वजह से इन्होंने कॉलेज से थिएटर शुरू कर दिया था। थिएटर के अलावा इन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग भी सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनोद मेहरा, जिन्हें रोमांटिक हीरो के नाम से काफी शोहरत मिली, वो भी मैक के साथ उसी इंस्टीट्यूट में थे। अपने 46 साल के करियर में मैकमोहन ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि 1952 में मैक मुंबई आए थे और यहाँ उन्होंने रंगमंच को देखा तो इनकी एक्टिंग में रुचि पैदा हो गई। मुंबई के फिल्मालय स्कूल से उन्होंने एक्टिंग सीखी। मशहूर गीतकार कैफी आजमी की पत्नी शौकत कैफी एक स्टेज ड्रामा डायरेक्ट कर रही थी। नाटक के लिए उन्हें एक दुबले पतले इंसान की जरूरत थी। मैकमोहन के किसी दोस्त ने उन्हें इसके बारे में बताया। उन दिनों मैक को पैसों की भी बहुत जरूरत थी, लिहाजा थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने शौकत कैफी से नाटक में काम मांगने के लिए मुलाकात की और शौकत कैफी को मैक का काम काफी पसंद भी आया। उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है। यहीं से मैक का एक्टिंग करियर शुरू हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता बनने से पहले उन्होंने निर्देशक चेतन आनंद के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। सन 1964 में उन्होंने हकीकत फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हकीकत फिल्म में उन्होंने एक सैनिक का किरदार निभाया था। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें जंजीर, सलाखें और शागिर्द जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जिस फिल्म के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है वो 1975 की फिल्म शोले थी, जिसमें वो सांभा के किरदार में नजर आए थे। हालांकि फिल्म में उनके बहुत सारे सीन्स काट दिए गए थे, इसके बावजूद सांभा सबको याद रहा। लेकिन बात अगर मैकमोहन की पत्नी की करें तो मैकमोहन की पत्नी का नाम मिन्नी मकीजानी है, जिनके साथ इन्होंने कई साल पहले शादी कर ली थी। शादी के बाद इनको एक बेटी भी हुई, जिसका नाम मंजरी मकीजानी है, जो आज बॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी लेखक, निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। जहां एक ओर उनकी बेटी फिल्मों का बहुत बड़ा नाम है तो दूसरी ओर उनकी पत्नी बॉलीवुड फिल्मों से दूर ही रहती हैं और आज काफी ज्यादा बूढ़ी भी नजर आती हैं, जैसे कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैकमोहन की पत्नी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।